विशाल विशाल रूप से विशाल ये क्या है वो सोने में मारेगा कुछ मेरे को नहीं पता कुछ काटा वटा भाई सोफे भाई ऐसा होता है कान के बाजू में ना के चिल्ला रहा है मत कर बोल रहा है विशाल बता ना What's up? My name is Adro Flo and welcome to my channel. What's up? Hi guys, क्या हाल है आप लोग के? मेरे हाथ पे लग गई थी और इसको होके भी चार पांच दिन हो गए मैं अच्छे से इसका रेस्ट दे रहा हूँ जिम नहीं जा रहा हूँ बट आज मैं जिम जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा भरोसा हो गया मेरे हाथ पे तो मेरी पट्टी का अनवीलिंग करेंगे मेरे दो दोस्त अनबॉक्सिंग मतलब मैं अनबॉक्सिंग तो करता रहता हूँ दिन में आइसिंग करने के लिए बाकी अब फाइनल इसको मैं नहीं पहनूंगा अगर सही नहीं हुआ तो पहनना पड़ेगा ना भाई क्या हुआ ना गाइस आज मेरे को लग गई है तो मैंने सीधा मैंने पहन लिया है ऋषि को वेडनेसडे का ड्राइवर नहीं लगता उसका पप्पा लगता है तो गाइज आज मैं सोच रहा हूँ जिम जाऊँ तो मैं रात में सो के उठ गया था इन लोग भी उठ गए थे सही टाइम पे आज दिन हो गया है हम लोग को तो मैं अभी सोच रहा हूँ सुबह सुबह जिम जाके आ जाऊँ मेरे हाथ का क्या हाल है वो भी चेक कर लूँ तो अभी मैं जिम जाता हूँ और फट से आता हूँ मचा के आता हूँ तुम लोग कहाँ आ रहे तो गाइस जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि मैं फट से जाता हूँ और फट से आता हूँ जिम से वापस तो मैं आ गया और इन लोग एज यूजुअल टाइम वेस्ट करते बैठे रहे यहाँ पे जिम से आ गए ना बड़े तुम लोग जिम रात में गए थे कल आज का जिम जाना है ना तुम लोग को अभी उठ के सो के हाँ तो जाएंगे ना तो हमारे टाइमिंग इतना टाइम वेस्ट कर दियो मेरे को तो लगा था सो करेंगे तेरे चक्कर में नहीं सो पाता अभी तो सोना बाकी है ना अभी मैं तो फ्रेश हूँ भाई अभी मैं रात में सोऊंगा डायरेक्ट रात में मेरे टाइमिंग सही कर लूंगा तुम लोग ऐसे ही करते रहो छी सोएगा ना तो गाइस अभी जस्ट मैं जिम से आया और हालत खराब हो गई है बट मजा इतना आ रहा है ना वर्कआउट करने में तो अभी जाता हूँ थोड़ा फ्रेश हो सब होता हूँ बालों की भी हालत एकदम खिस्ता हो गई है तो गाइस आप लोगों को पता है कि अनियन जो है वो हमारे ट्रेडिशनल टाइम से यूज हुआ जा रहा है हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए बट अनियन जूस घर पर एक्सट्रैक्ट करना इतना मगजमारी वाला काम है और उसकी स्मेल तो बाप रे तो गाइस दिस इज मामाअर्थ का अनियन शैम्पू क्राफ्टेड विद द गुडनेस ऑफ अनियन एक्सट्रैक्ट एंड प्लांट केराटिन तो गाइस ये जो शैम्पू ये जेंटली क्लेंस करता है हमारे बालों को हेयर फॉल रिड्यूस करने में हेल्प करता है और हमारे बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी भी बनाता है और गाइस इसके अंदर सल्फर भी है जो प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ बाय नरिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द हेयर और गाइस ये जो अनियन कंडीशनर है इट इज क्राफ्टेड विद द गुडनेस ऑफ अनियन एंड कोकोनट दैट मेक्स योर हेयर सो सॉफ्ट और गाइस ये अनियन शैम्पू कम्स इन अ न्यूली लॉन्च्ड 600 ml पैकेजिंग एंड इट ऑल्सो हेल्प्स विद 8 टाइम्स मोर डिटैंगलिंग और गाइस इसमें 22% मोर फोम है और जैसे आप लोगों को पता है कि नो सल्फर and no toxins. तो गाइस ये शैम्पू के अंदर है प्लांट केराटिन मेड अप ऑफ 18 अमीनो एसिड्स. प्लांट केराटिन इज अ हाईली प्रोटेक्टिव केराटिन जो बालों का मॉइस्चर बैलेंस करता है और गाइस इसके अंदर कोकोनट भी है जो हेयर फॉलिकल्स में हमारा ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ होता है और हेयर फॉल प्रिवेंट होता है और गाइस ये कंडीशनर में भी अनियन है और इसके अंदर कोकोनट भी है कोकोनट के अंदर नरिशिंग प्रॉपर्टीज जो हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर डीपली जाते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल स्काल्प हेल्थ इंक्रीज होती है ऑल्सो गाइस व्हेन वी परचेस फ्रॉम मामाअर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज जो कि बहुत अच्छा और जैसे आप लोगों को पता है कि मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट नाइका और अमेज़न पे अवेलेबल है बट दे आर आल्सो नाउ अवेलेबल इन स्टोर्स नियर यू मैसेज करना है कमेंट करके बताना अगर आपको कहीं पे भी मामाअर्थ का स्टोर दिखे तो ऑल्सो यू कैन यूज माई कूपन कोड Adroflow2022 फॉर 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ वेबसाइट और इन ऐप तो यार गाइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिया वहां से जाके अमेजिंग प्रोडक्ट्स चेक करो ऑलराइट गाइस तो आज कुछ अलग लग रहा रहेगा आपको आप हमको सुबह में मिले थे हम लोग सो के उठ गए और अभी हम लोग कहीं निकल रहे मैं और ऋषि बस हम अभी भी नींद में ही है बट मैं और ऋषि कहीं निकल रहे हैं हम जा रहे हैं हमारे एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में यस और विशाल ऑलरेडी शूट पे है भिवंडी में तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली आ जाए वहाँ पे हमें डायरेक्टली मिले तो हम अभी हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए गाड़ी में फुल विशाल की ब्रीचिंग करते हुए थोड़ी क्या बोलना है क्या नहीं विशाल पागल हो जाएगा कि क्या क्या बात कर लेंगे हम लोग मेरे नहीं बताएंगे तो निकलते हैं और मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पहुँच के पार्टी में हमें ज्वाइन कर दिए थे विशाल पांडे जी ने थोड़ी देर के लिए बस इनके आने की देरी थी ये आए और हम निकल गए साथ में कितना 15-20 मिनट रहूंगा ना 15-20 मिनट थे हम लोग बस और ये आया फिर हम लोग निकल गए वापस से हम हमारे शहर में आ गए मीरा रोड नाम यहाँ पे आके अच्छा लगता है यहाँ पे आके ऐसा सुकून मिलता है ना थोड़ा अचानक से रास्ते बड़े अब तुम लोगों को पता है अदनान कभी भी पार्टी से आता हूँ
मतलब ऐसा कहीं शूट में डायरेक्ट तुम लोग फोन क्यों करते हो? सुकून मिलता है ना सुकून यहाँ पे बंदे बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे हम लोग तो पहुंच गए पार्टी वार्टी मस्त कर ली। अभी हम लोग ऋषि के बिल्डिंग के नीचे ऋषि को सामान वामान लेना था और ऋषि इंतजार करवा रहे। हम लोग बैठे हैं बस और इसकी हालत खराब हो चुकी है। आपको बताओ तो हम लोग बैठे थे सुबह में, मैं घर गया, ये भी घर गया बट ये डायरेक्ट वहां से शूट पे चले गया और मैं सोया थोड़ा बट ये बिल्कुल भी नहीं सोया कल से। मैं दो दिन से नहीं सोया हूँ। इससे पहले भी जब मेरे को नींद मिली थी 4 घंटे की मिली थी और मैं ऐसा लग रहा है अभी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मेरे को इतना सर दुख रहा है, कैसे रुका है, दो दिन से नहीं सोया है, आंखें दुख रही है और जितना शूट उसके बाद से बाप रे बाप। अरे ये अच्छा किया तूने स्कूटी ले लिया। किसकी स्कूटी हो तो बता? मेरी। दिखा? मेरी स्कूटी है गाइस, क्योंकि मैंने एक्सचेंज कर लिया हूं मयूर की बाइक से जो कि मेरे पास पड़ी है। चले चल चले आ गया चल चल ऐसे चल वो करना है क्या? हम 5 बजे फिर भी कितनी दूरी है बंदा। कोई मुझको ये बताए क्यों ये दूरी और मजबूरी इस दुनिया की क्या? क्या देख क्या रहा है? ता मारूंगा ना। क्यों रो रहा है? क्यों रो रही है तू? रोना तो मेरे को है, मैं हूँ ड्राइवर यहाँ पे, पैसा है तेरे पास इतना सारा, क्यों रो रहा है? पैसे से खुशी नहीं मिलती जरा। ये हम सिखाना चाह रहे थे तो गाइस थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग यही समाप्त होता है। चलो बाय बाय। तो गाइस हम लोग घर पे आ गए और विशाल तो आते ही जाके टपक गया और हम लोग बैठ के गेम वेम खेले, बहुत टाइम पास किया और बकचोदी करते करते एक चीज मिली है मेरे को, एक मिली है, ये तेरी ही है, तू यूज करता है। ये मिला है मेरे को, ये है नेहा की लिपस्टिक, यहाँ पे इसने छोड़ के गई थी, कुछ हुआ था तो लेके आए थे। और इसके साथ हमने कुछ खौफनाक, खतरनाक और कुछ बोलता ना, मैं एक वर्ड बोलता था ना मैं पहले से, क्या खुराफात। तो गाइस एक खुराफाती आइडिया है हम लोगों को, अभी विशाल की ना गले पे जाके थोड़ा सा निशान बनाएंगे और उस पर फायर हो जाएंगे कि तू क्या करके आया, किसके साथ करके आया, बताया भी नहीं, पकड़े गया नीच, क्या मालूम कुछ बता दे, नींद में सच बोल दिया तो मजा आ जाएगी। क्या सो रहा है, मेरे को भी नींद। मैं सोने आया था तेरे पास मेरे को ना सीधा ये दिखा, ये क्या है मेरे को बता, तू क्या मावेन करके आया बंटा, तू क्या छुपा रहा मुझे, क्या रुक तेरे को दिखाता हूँ इधर आ, रुक दिखाता हूँ इधर क्या करके आया तू बता, हम लोग इसके लिए तेरे को उठाए मालूम है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये देख क्या है, देख क्या ये, क्या ये मेरे को नहीं पता क्या ये, कैसा क्या बोलता है ये, क्या मेरे को नहीं पता क्या है, क्या होता है ये बंटा, तू क्या छुपा रहा है, और अपने को इसने कल क्या बोला था कि 8-9 बजे तक फ्री हो जाएगा, कितना टाइम लगा उसको आने, कहा था 2-3 बजे है, हाँ और बोलता मैं बहुत थक गया हूँ, वो सोने में मारेगा कुछ मेरे को नहीं पता, कुछ काटा वटा भाई, सो गए भाई, ऐसा होता है तू भाई, नहीं था मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को नहीं था, ये चीज था ही नहीं मेरे को, विशाल बंटा सुन ना मेरी बात, अभी ये सब एक्टिंग करके ना बंडा सच बता बंडा, बकचोदी मत कर, ये एक्टिंग करके तेरे को कुछ मतलब नहीं मिलेगा, लो ना बंडा एक्सप्लेन भी नहीं करने बेटा, झूठ बोलेगा ना ऐसी होता, मत कर बंडा ऐसा विशाल, नहीं है कुछ भी, क्या बात कर रहा है, मैं सोया था ना बंडा, कुछ ये देख इसका कुछ लगा रहेगा मेरे को इधर, इसका ये इसका कुछ लगा रहेगा, अच्छा समझ रहा विशाल, क्या ये सब हम लोग को नहीं पता कि क्या ये, बता दे अब सच में किसके साथ क्या करके आया तू, एक्साइटेड हूँ मैं भाई, अकेले अकेले जाके आ गया, बताया बंटा अभी भी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है,
बताएगा ना अपने को भी सच्चाई को, हर चीज हगा पादा सब आके बताते तो ये सब कर रहा है। अपन वहां से आ रहे मराड़ से, अपन आए साथ में, से एक बार नहीं बोला ना कि क्या करके आया, ये तो गफलत में देख लिया। तो विशाल बोलना यार, अंदर में ना नींद में वो फटे था, वो तो मेरे कान के बाजू में ना खड़े के चिल्ला रहा है मत कर, बोलना यार विशाल सच बता दे, बता दा। अच्छा चल बता क्या क्या, क्या अरे क्या नहीं है कुछ भी यार, तो क्या है वो निशान? अच्छा बैठ जा बैठ जा, बता बैठ सच बताना बंटा है गॉसिप दे जल्दी बता बंटा है गॉसिप मांग से छुपा रहा है ना भाई, अब से मैं भी छुपा बंटा है हाँ वो बताने का था, वो ये बकचोदी छुपे आज ही बन जाता है इतना शॉक कुछ हुआ है ऐसा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोल इधर भाई दिखा जरा तेरे हिक्की तो दिखा दिखा, अरे भाई साहब क्या बात है विशाल ये सब क्या सब करने के वो नींद से उठा लिया ना गाइस देखो कितना बेरहम दिल के बेरहम, काम के साथ साथ जाम भी ले रहा है जाम ले रहा है जाम ले रहा है क्या बात है भाई, सोया था बंटा अभी भी चक्कर आ रहा मेरे को, अरे सो जाना बंटा इतना चक्कर नहीं आ रहा ना, अब नहीं होगा ना मेरे से, आ रहा मेरे इतने दिन से क्या चल रहा है, इतने दिन से क्या चल रहा है, क्या बोल रहा हूँ एक बार उठा तो नहीं सो पा रहा हूँ बंटा, इंसान नींद से उठ के लड़ रहा है, जा जा सो जा जा, प्यार से कुछ बोल रहा हूँ आते रहो, एक पे एक नंबर इक्की एक रावस दिया उसका। तो यार गाइस ये था मेरे दोस्त का रिएक्शन, बेचारा नींद में सो रहा था बट कोई बात नहीं, मजा बहुत आई और मैं ये उम्मीद में था कि भाई ये गफलत में कुछ सच ना बता दे। हाँ विशाल क्या सर सब तो बता तो अभी क्या क्या बताओ, मेरी आंखें फट गई थी जब इसने बोला ना, हाँ मेरे को भी ना दो सेकंड के लिए ऐसा लगा क्या बोल रहा है ये, बट मत करना फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए सावधान भी रहना सतर्क रहना सुरक्षित भी रहना। I'm not afraid to die.